तो गाइस मेरे पीछे जो है ना, ये रहा जामा मस्जिद का मेट्रो स्टेशन। और गाइस ये जामा मस्जिद के बाहर निकलती जो है मेट्रो स्टेशन के, ये दूसरी वाली साइड है, यहाँ से मैं यहाँ पे निकला हूँ। और मार्केट यहाँ पे बनी हुई है देखिए। और लेकिन आज का वीडियो जो है किसी मार्केट पे नहीं बना हुआ, ये जो मेन रोड है ना, ये आपको वहाँ सामने जो है उधर से मैं इधर लेके जाऊँगा। तो फिलहाल ये छोटी सी दोनों साइड जो है ये पटरी मार्केट लगी हुई है, जो कि जामा मस्जिद से होते हुए। तो ये देखिए दोनों साइड जो है मार्केट लगी हुई है जामा मस्जिद की। आज है संडे और यहाँ पे कपड़े जूते सब कुछ जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ से वीडियो जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका जो मेन कारण था यहाँ से वीडियो बनाने का, वो ये था कि मैं आज जा रहा हूँ आपको लेकर संडे बुक मार्केट। और बुक मार्केट की काफ़ी बड़ी हिस्ट्री रही है, जो कि मैं आज आपको बताता हूँ। कभी ज़माने में जो बुक मार्केट है वो यहाँ दरियागंज, जो ये वाला जो चौराहा है, यहाँ भी मैं खड़ा हुआ हूँ। ये देखिए इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो रास्ता है ये जाता है लाल किले की तरफ, वो जामा मस्जिद का जो मेट्रो स्टेशन दूसरा वाला है वहाँ पर जाता है। और ये सुभाष पार्क की रेड लाइट भी है वो वहाँ है। और ये सामने जो है ना अंसारी रोड पड़ता है यहाँ पे। और जो मार्केट हुआ करती थी वो यहाँ से स्टार्ट हो के, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ से स्टार्ट होकर ये मार्केट जो है वहाँ से, और लगभग इधर की एरिया से जो छोटी सी गली आ रही है ना, यहाँ से स्टार्ट होके जो है बुक मार्केट पूरा यहाँ से फैली भी जाती थी। उसके बाद जो है यहाँ पे ये है दरियागंज का रोड मेन। आज संडे है, हमेशा की तरह यहाँ पे मार्केट बंद रहती है। और यहाँ से जो है मार्केट शुरू हुआ करती थी। तो गाइस इस समय जो है ना मैं चल रहा हूँ दरियागंज रोड पर, और जो आपको बता देता हूँ जो सामने वाला रोड है पूरा, ये अंसारी रोड कहलाता है। इसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं। और ये जो मेरे साथ में जो मार्केट है, ये जो पूरा फुटपाथ दिखा रहा हूँ ना आपको मैं, यहाँ पर जो है किसी टाइम में संडे बुक मार्केट लगा करती थी। और लेकिन आज जो है किसी कारणवश जो है इसको हटा दिया गया था। लगभग 6-7 साल हो गए तब से बुक मार्केट को यहाँ से हटा दिया गया। और संडे बुक मार्केट जो है, मैं आपको बताऊँ कि आज से कई साल पहले लगभग ये 90s और 80s की बुक मार्केट हुआ करती थी, जो कि लाल किले का जो बैक पीछे का जो हिस्सा है वहाँ पे जो है लगा करती थी उस समय लगा करती थी वहाँ पे। और काफ़ी बड़ा ग्राउंड था। उसके बाद जो है वहाँ पे कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से उसको जो है चेंज कर दिया गया। उस समय मैं जो 90s और 2000 की बात कर रहा हूँ, अभी जो 2020 चल रहा है उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो बुक की जो वेराइटी थी वो बहुत अलग तरह की हुआ करती थी। और मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ कि हम जो है घंटे बिताया करते थे बुक्स को ढूंढने में। वो एक टाइम था काफ़ी पुराना, और अब तो खैर ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे। और देखिए इस समय तो फुटपाथ जो है पूरा खाली पड़ा हुआ है और आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पुराने टाइम में बहुत तरह की जो चीज़ें जो यहाँ पर मिला करती थी, और बुक्स की इतनी वेराइटी थी जो मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर आपको मोबाइल है, यहाँ पे देखिए पुराने टाइम के जो इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं उसके लिए भी यहाँ पर जो है शॉप्स खुली है। और ये बहुत पुरानी शॉप्स है, काफ़ी पुरानी शॉप्स खुली हुई है यहाँ पे। और ये एक सब्ज़ी मंडी है यहाँ पे, ये अंदर की तरफ जाती है, यहाँ पर आप फल फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। ये देखिए काफ़ी भीड़ लगी रहती है यहाँ पर। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट्स की जो है शॉप थी यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप्स है, और बाकी छोटे बड़े होटल जो है यहाँ पे खुले हुए हैं। ये सबसे पुरानी शॉप्स यहाँ पे बनी हुई है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की। और तब हम ऐसे ही जो है यहाँ से, मैं आपको दिखा, ये जो पूरा रास्ता है ना ये दिल्ली गेट तक जाता था, काफ़ी लंबा रास्ता था। और हम जो है पैदल आ जाया करते थे यहाँ से, और काफ़ी अच्छा लगता था उस समय। तो इट वॉज़ रियली एन एक्सपीरियंस जो कि मैं आपको बता नहीं सकता।
और ये मैं रोड इसमें दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, क्योंकि बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू बुक रीडर है, जो बुक पढ़ने वाले हैं, उनको ये बात मालूम नहीं होगी कि पूरा का पूरा जो फुटपाथ है बुक से भरा करता था। और अब जो है ये बुक मार्केट जो है वो आसफली रोड के जो पार्किंग है दिल्ली गेट की, वहाँ पे शिफ्ट कर दी गई है। और फिलहाल यहाँ पर आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, लेकिन और आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुराना सिनेमा हुआ करता था, ये देखिए, और इसका नाम मैं भूल गया। देखिए वहाँ पे सामने तो लिखा हुआ है, ये देखिए, ये भी एक बहुत पुराना जो है ये देखिए, ये गोलचा सिनेमा हुआ करता था किसी टाइम में। अब शायद यहाँ पे कोई शोर कर रहा हूँ, लेकिन ये सबसे पुराना जो है पुरानी दिल्ली के सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स में से एक था, जो कि अब जो है यहाँ पर खाली है, आई थिंक मूवी नहीं लगती होगी यहाँ पे। आज यहाँ पर जितने लोग अभी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उससे कई ज़्यादा गुना जो यहाँ पे भीड़ हुआ करती थी जब यहाँ पे बुक मार्केट लगा करती थी। और बाकी मेन रोड होने की वजह से, क्योंकि ये रास्ता सीधा दिल्ली गेट से आपको लाल किले की तरफ लेकर जाता है, और यहाँ पे जो है हमेशा भीड़ हुआ करती थी। आज भी है, ट्रैफिक जो है चलता रहता है, सड़कें थोड़ी सी अच्छी हो गई है इस वजह से। और एक छोटा सा पोर्शन है मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि भैया यहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पे भी स्टेशनरी की दुकान लगा रखी है, ब्लॉक्स वगैरह जैसे बेच रहे हैं, कैलेंडर्स बेच रहे हैं और बच्चों का, ऐसे ही थोड़ा सा एक पोर्शन है यहाँ पे जो यहाँ पर आपको ना बुक्स मिलेगी, वो मैं थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ। वहाँ पर आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं कितना लंबा फुटपाथ है ये, और लगभग ये 1.5-2 किलोमीटर का पूरा रास्ता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पे शॉप्स बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पे शॉप्स बनी हुई है पूरी। तो कई लोग जो बुक मार्केट को ढूंढते हुए आते हैं ना, वो यहाँ से भी आते हैं लेने के लिए। और यहाँ देखिए कई तरह की जो है वैरायटी यहाँ पर है, ये देखिए बैग्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी अंदर भी बहुत जो है जगह है। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो जैसे कि डायरीज हैं, ये सब जो है काफ़ी नॉमिनल प्राइस में यहाँ पे मिल रही है। दो तीन दुकानें हैं जो एक साथ बनी हुई है, जैसे कि देखिए ये यहाँ पे है सामने, ये देखिए, देखिए सारी नॉवल्स हैं, और ये यहाँ 20 रुपीज़ लगा रखा है। काफ़ी सारी वैरायटी तो यहाँ पर है, लेकिन और आगे चलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अलग जाते हैं ना बुक मार्केट को ढूंढते हुए, तो वो इन दुकानों में, जैसे एक मैंने आपको दिखाई वहाँ पर है, एक ये है, और एक थोड़ा सा आगे मिलेगी आपको, और ये देखिए काफ़ी बड़े एरिया में पहले भी यहाँ पर हुआ करती थी। जिस समय बुक मार्केट फुटपाथ पे लगा करती थी, तो एक तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं कि ये देखिए काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ परचेज कर रहे हैं ना, देखिए तो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारी स्टेशनरी की शॉप्स है यहाँ पे, देखिए। और ये आपको एक और बात बता दूँ कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है रजिस्टर 150 रुपये किलो, तो ये किलो के हिसाब से यहाँ पे ना बुक्स मिलती है। अंदर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है स्टॉल्स है, सारी स्टेशनरी से रिलेटेड है, ये देखिए, ये देखिए कई तरह की यूज़फुल आइटम्स है जो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। काफ़ी बड़ा जो है गैलरी है अंदर तक वो है, और बाकी जैसे अभी यहाँ पे बुक्स लगे हुए हैं ना, किसी ज़माने में ऐसी बुक्स पूरे ही दरियागंज फुटपाथ पे फैली हुआ करती थी, और वो एक टाइम था जो वापस तो नहीं आने वाला, क्योंकि उस टाइम पे जो बुक्स हुआ करती थी वो अब तो शायद ही मिलेंगी, क्योंकि अब सब कुछ जो है कमर्शलाइज हो चुका है। आज की डेट में सिर्फ जो है जैसे बुक्स है यहाँ पर, ये सब मिल रही है।
तो बहुत सारी बुक्स है देखिए गाइस यहाँ पे। आई होप कि जैसे बुक्स यहाँ पर है, अभी आपको आगे लेके चली रहा हूँ मैं मार्केट में, तो वहाँ पे और मिलेंगी बुक्स आपको। ये देखिए यहाँ पे सब जगह लिखा है रजिस्टर, ब्लैक रजिस्टर, येलो पेजेस, और आप देखिए ये सब जो है ना 120 पर केजी के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं, तो आप चूज़ कीजिए और किलो के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे सामान मिल जाएगा। देखिए काफ़ी सारी बुक्स है यहाँ पे, सब अनसॉर्टेड है, अलग अलग है, आपको छांटना पड़ेगा, और इनसे प्राइस भी बहुत ज़्यादा सस्ता ही होगा। ये देखिए रजिस्टर्स है यहाँ पे, शॉप्स है यहाँ पे, देखिए ये देखिए यहाँ पर हर तरह की कॉपी जो है 130 रुपीज़ किलो के हिसाब से मिल रही है। अब जिसको ज़रूरत होगी वो यहाँ से ले जाएगा, और कुछ और भी रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे शॉप में, ये सब चीज़ें हैं। और जिस तरह से आजकल जो एजुकेशन का जो क्रेज़ और जो एजुकेशन का सिस्टम जिस तरह से बूम हो चुका है, तो सारी चीज़ें कमर्शलाइज हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन बुक्स है, नोटबुक्स है, 120 के जी यहाँ पे भी है, और काफ़ी अच्छी तरह की जो है ना बुक्स यहाँ पे रखी हुई हैं। देखिए ये फ्रेम्स हैं यहाँ पे, ये देखिए कितना बढ़िया फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है, और ये चीज़ है, ये देखिए कितना बढ़िया फ्रेम है यहाँ पे। आप इसमें यहाँ पे कोई भी अपना जो है आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। निर्वाणा, ये देखिए निर्वाणा का है, ये विराट कोहली आई थिंक, मुझे आइडिया नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं स्लोगन से लगी हुई बहुत सारी, और ये सब है यहाँ पे कॉपी ही कॉपी। अभी मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि उधर वाली मार्केट लगी हुई होगी कि नहीं लगी होगी, तो जल्दी से आगे चलते हैं क्योंकि काफ़ी बाकी यहाँ पे बीच में थोड़ी सी ऑटो की मार्केट पड़ती है। बाकी ये बुक्स यहाँ पे आ गई दोबारा से, और थोड़ा सा अभी जो फीलिंग है ना पुराने टाइम वाली महसूस हो रही है, किताब आया करते थे और कई घंटे जो है यहाँ पर बुक्स हम ढूंढा करते थे उस समय। तो ये देखिए मैं लगभग 1.5 किलोमीटर आ गया हूँ, और ये दिल्ली गेट आ गया सामने, वो देखिए ये दिल्ली गेट है, आगे ITO के लिए रास्ता जाता है, पीछे जो है लाल किले की तरफ हम जाते ही हैं, और अभी भी पास नहीं है तो पार्किंग की तरफ चलेंगे, फिर देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी बुक्स है और क्या क्या वहाँ पे मिलेगा हमें, तो आगे चलते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये जो सारा एरिया है ना, इवन पूरा पीछे वाला भी, अभी यहाँ पर एक मदर डेयरी खुल गई है, पहले यहाँ पर कुछ नहीं हुआ करता था, ये वाला सारा एरिया है पूरा, ये सारा भाई साहब बुक से भरा रहा करता था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बुक्स हुआ करती थी और कितनी वैरायटी की बुक्स हुआ करती थी। और अभी मैं चल रहा हूँ दिल्ली गेट के तरफ से, आसफ़ अली रोड वाली साइड पर हूँ मैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे ना यहाँ पे खाने पीने की भी दुकानें हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, ये इस चौक पर है, काफ़ी टाइम से जो है यहाँ पर खुली हुई है, और कोई अगर आता है तो वो यहाँ से खा पी भी सकता है। और देखिए ये वाला जो फुटपाथ है ना पूरा, ये सारा का सारा ना बुक से भरा हुआ करता था। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज आया हूँ मैं, संडे है, ये आ गया दिल्ली गेट, ये देखिए दिल्ली गेट का चौराहा, दिल्ली गेट का मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर, और बहुत सारे लोग जो है बुक्स खरीद कर आ भी रहे हैं, ये देखिए बैग भर भर के। और ये देखिए यहाँ पे आचार्य प्रशांत जी का जो है उनका भी कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तो उनके लिए जो है इन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगा रखा है, बहुत सारे लोग जानते होंगे आचार्य प्रशांत जी को, मैं भी उनकी वीडियो देखता हूँ। और ये देखिए तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि ये स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है ये कि यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन सबको जो है उनका मैसेज जो है दिखाई पता चलेगा, और गीता के बारे में जितना हो सकेगा कि वो लोग आप लोग जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो बढ़िया बात है, थैंक यू। तो गाइस ये देखिए सामने दिल्ली गेट आ गया है, मेट्रो स्टेशन, मार्केट है उस तरफ, आई थिंक की मार्केट लगी हुई है, तो चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस उधर पीछे मैंने आपको दिखाया था आज जो काफ़ी बड़े आध्यात्मिक जो टीचर है और काफ़ी बड़े यूट्यूबर भी है, उनके जो एक स्टॉल वहाँ पे लगा हुआ था आचार्य प्रशांत जी का, कह रहे हैं कि वो थोड़ी सी और जगह पर लगा हुआ है, उनको यहाँ लगाना चाहिए था,
बट कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे और स्टूडेंट जो है वो वहाँ से आते हैं उस साइड से होते हुए। और मैं बताऊँ आपको, ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से लेके और ये पूरा हिस्सा, यहाँ से लेके ये सिर्फ पूरा हिस्सा आगे तक जाता है, ये सारा ना बुक से भरा गया होता था। तो अब नहीं मिलती हैं वो बुक्स, और वो बुक्स वाले ज़माने चले गए। तो और मैं लगभग लगभग जो है अब मार्केट के पास आ गया हूँ। तो गाइस ये सारे स्टूडेंट्स हैं और ये बुक्स वगैरह खरीद के आ रहे हैं। मार्केट तो बहुत सुबह लग जाती है, लेकिन मेरा जो मुझे एक आइडिया था कि यहाँ लगभग 12 बजे के बाद क्राउड काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और जो ये जो जगह है ना, इसको महिला हाट बोलते हैं। और ये जो है नगर निगम के जो पार्किंग है जैसे उसके ऊपर बनी हुई है। और ये रहा एंट्रेंस, ये है चारों तरफ बाहर का, मैं आपको दिखा रहा हूँ एंट्रेंस है। अंदर चलते और दिखाते हैं, और साथ ही साथ कुछ बुक्स है जो मुझे भी लेनी है, तो अगर मिल जाएगी तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे देखिए, और ये जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मार्केट बुक स्टॉल्स की सारी। इस समय स्टूडेंट बहुत सारे हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे। मौसम भी ठीक ठाक ही है, गर्मी भी नहीं है ज़्यादा। ये देखिए, और ये देखिए बच्चों की किताबें यहाँ पर है होल सेल 10-20 रुपये की। वैरायटी बहुत सारी है। और अभी तो जस्ट मैं अंदर आया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट बहुत बड़ी है। ये देखिए, और धूप की वजह से जो है ना तिरपाल लगा दी गई है इस बार जो यहाँ पे चारों तरफ। और बुक्स बहुत सारी है। ये देखिए यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, और ये देखिए काफ़ी सारी बुक्स है यहाँ पे, अलग अलग प्राइस भी अलग अलग होगा। कई जगहों पे सेल लगी हुई है, कई जगहों पे जो है आप सिंगल पीस उठाएंगे अपने अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस आपको बता देंगे। ये देखिए ये सारे 50 रुपीज़ की बेच रहे हैं लोग यहाँ पे। और थोड़ी सी अच्छी बात है कि कहने को फुटपाथ जो है, उस समय जब फुटपाथ पे मिला करती थी ना बुक्स, तो वहाँ पर सर्च करने का जो तरीका था वो बहुत ही अलग था। बाकी आज काफ़ी क्राउड है। ये देखिए देखिए बहुत सारी बुक है, पॉकेट डायरी 10 रुपये में 2 मिल रही है आपको। और इसके अलावा भी है, गाइस बुक्स बहुत सारी है हर तरह के टॉपिक पे, अलग अलग मोटिवेशनल भी है, कुछ स्पिरिचुअल है, कुछ जो है बाकी स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, अगर उनको अपना सिलेबस वगैरह कोर्स वगैरह जो वो ढूंढ रहे हैं वो है। ये देखिए हिंदी की बुक्स यहाँ पे बहुत सारी, काफ़ी सारी बुक्स है। जो लोग बुक्स पढ़ते हैं उन्हें पता है कि बुक्स की जो इम्पोर्टेंस कितनी होती है, अपार्ट फ्रॉम कोर्स के अलावा भी। मिल गई क्या आपको? अभी थोड़ा अंदर लेके चलता हूँ मैं, फिर दिखाऊँगा। भीड़ यहाँ पे अच्छी खासी है, ये देखिए सारी की सारी 20 रुपये के हिसाब से। अब इसे में थोड़ा दिक्कत ये हो जाती है कि इन बुक को छाँटना जो है ना मुश्किल हो जाता है। कई बार जो बुक्स हमें नहीं चाहिए होती वो भी हम खरीद लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सस्ता है। बाकी आगे अंदर चलते हैं। आज क्राउड मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है, और ये एक अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बुक्स लेने के लिए, पढ़ने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए 100 में 3 बुक्स मिल रही है, लेकिन इनको छाटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर बहुत सारी बुक्स है, आर्म किलो क्लियोपेट्रिया और पता नहीं कौन कौन से टॉपिक्स है, बहुत सारे हैं, कुछ पुरानी भी हैं। और मैं अपने टाइम की बताता हूँ कि जब हम यहाँ आया करते थे तो हम काफ़ी बड़ा थैला जो है पूरा का पूरा भर के ले जाते थे बुक्स का। उस समय वो तो थोड़ा अलग था। मीडियम थोड़ा अलग है, हिंदी मीडियम से आता हूँ, वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया।
सारी बुक्स जो है ना अलग अलग टॉपिक पे फैली हुई है, और बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में बुक्स को चूज़ करना, सेलेक्ट करना और उनको ढूंढना खासतौर पे, क्योंकि मैं आपको बताऊं जितने भी ये लोग बेचने वाले हैं ना यहाँ पे, इनमें से बहुत ही कम जो है लोग, उनको आइडिया होता है कि कौन कौन सी बुक्स है, अदरवाइज़ तो सारी बुक्स फैली हुई है। तो आप अपने आप ही पुरानी मार्केट है, 75 पहले नीचे लगती थी, ऊपर आ गई है। मैं अभी दरियागंज से कवर करता हुआ आ रहा हूँ, पुरानी हिस्ट्री बताते ही आ रहा हूँ मैं। अब ऊपर आ गई है, मगर बेकार है यहाँ पे, महंगा ही है। बुक्स ही नहीं, से मोदी बना है तो गवर्नमेंट, बुक्स ही नहीं है सर, वो बुक्स ही नहीं है जो पहले मिला करती थी। बिल्कुल भी सर, मिलती है, ये चीज़ है। अब जो कमर्शलाइजेशन हो चुका है हर चीज़ का, तो बस वही चल रहा है और कुछ नहीं है। तो देखिए गाइस, बहुत सारी बुक्स है यहाँ पे। इवन अगर मैं भी छाटने पे आऊँगा, मुझे कौन सी बुक्स चाहिए तो मुझे मिलेगी नहीं, क्या कहने को मैं भी बुक्स लेने के लिए आया हूँ। अब पहले तो मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कि कौन सी बुक मुझे चाहिए थी और क्या चाहिए थी। और ये देखिए, इस तरह भी है, कुछ छोटे बच्चों से रिलेटेड बुक्स है यहाँ पे। ये देखिए, कलरिंग बुक्स है, तो ये देखिए गाइस, वो देखिए वहाँ तक बुक्स ही बुक्स है पूरी। और गाइस मैंने बताया ना, बुक्स बहुत सारी बुक्स है, वो मिक्स है, तो इवन स्टूडेंट्स को भी बहुत दिक्कत होती होगी इन सारी बुक्स को ढूंढने में, क्योंकि कुछ लोग अपने सिलेबस कोर्स की बुक ढूंढ रहे हैं, बाकी जो मिक्स हो रखी है बुक्स, और जो बुक्स पढ़ते हैं तो उनके लिए तो ठीक है, वो कुछ भी बुक्स उठा के पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। और ये अच्छी बात है कि अभी जिस तरह से लग रहा है कि, ये देखिए मैं आज इसमें दिखाता हूँ, उधर एंड हो गया, भेज रहा हूँ लोगों को। देखिए, और ये पार्किंग है, तो यहाँ पे जो है बुक स्टॉल जो है अरेंज की जाती है संडे को सारी की सारी। ये देखिए, और कुछ बुक्स तो ऐसी है, पुरानी बुक्स भी है जो अब नहीं मिलती है, कुछ एक लोग हैं जिन्हों के पास पुरानी बुक्स होंगी, अदरवाइज़ ये देखिए कॉइन्स भी है यहाँ पे, और नहीं देखिए पुराने कॉइन्स भी हैं कुछ, ये देखिए कॉइन्स है यहाँ पे अलग अलग तरीके के, ये सब मिल रहा है यहाँ पे। पार्क है, आज मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, देखिए काफ़ी बढ़िया मौसम हो गया है यहाँ पे। और देखिए ये क्या है, देख ले बजर पड़ी हुआ है, ब्लैक एंड वाइट कॉमिक्स है गाइस, पता नहीं ये स्पाई फैमिली है ना, चाइनीज बुक है गाइस, ये देखिए। और ये क्या है, देखिए आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये सारी जो मार्केट है ना, पूरी मार्केट स्टैच हो रखी है, और काफ़ी बड़ी मार्केट है पूरा है। उधर से तो मैं आया था आपको दिखाते हुए, यहाँ भी दिखा रहा हूँ, काफ़ी सारी बुक्स है, देखिए रिच डैड पुअर डैड है, ये सब मोटिवेशनल बुक्स है, अल्केमिस्ट है, ये सब कितने कितने के भैया ये वाली बुक्स, 70 रुपये, और 4-5 लें तो, अरे कुछ तो और कम करो, तभी तो लेंगे लोग, 70 बोल रहे हैं, थोड़ा और कम करेंगे तो दे देंगे 50 में, और क्या आराम से। ये देखिए गाइस, ये है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़रूर लंबा बन रहा है, लेकिन सारी चीज़ें तो नहीं दिखा पाऊँगा आपको मैं। देखिए ओशो और सारी बुक्स है यहाँ पे, इधर भी बुक्स है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप यहाँ पे, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ये देखिए ये क्या है, ये कैनवस बुक्स है क्या, ये इस तरह का रजिस्टर है, काफ़ी सारी बुक्स है गाइस। और यही है, देखिए काफ़ी क्राउड है दोनों तरफ, देखिए यहाँ पे, ये देखिए है ना, ये देखिए भाई साहब, ये यहाँ पे, ये सारी 10 रुपये, कौन सी 10 रुपये, अच्छा टेप बेच रहे हो यार, बोल दो ना, और टेप लो, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये,
देखिए यहाँ पे रजिस्टर है, स्पाइरल वाले रजिस्टर वो यहाँ पर दे रहे हैं लोग। जहाँ भीड़ है उधर जा नहीं रहा हूँ मैं, बाकी ये देखिए। अरे देख लियो, यहाँ पे भी काफ़ी देखिए बुक्स बहुत सारी है। और आजकल एक नई चीज़ और चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले नहीं हुआ करती थी ये कुछ, ये देखिए ये कुछ जो है ना, ये स्टिकर वगैरह कुछ होता है, ये इसको बुक मार्क लिखा हुआ है, ये मैग्नेटिक बुक मार्क है, ये आपके मेटल वगैरह पे ये जो है चिपक जाएंगे, मैग्नेटिक हैं सारे के सारे। और बहुत सारे ये देखिए जो भैया जो है, पर सुनार क्या तो बहुत महंगा होगा। ये कितने रुपए का बेचो भैया सिंगल? ये 20 का है। 20 का, ओके। तो मैग्नेटिक गाइस वो सारे और सब मिक्स बुक्स है यहाँ पे, देखिए हिंदी की है ज़्यादातर। अभी एक और जगह दिखाता हूँ आपको, और दो जो लिए थे। और एक मेरी फेवरेट चीज़ जो हुआ करती थी किसी ज़माने में, ये कॉमिक्स बहुत सारी पढ़ा करते थे गाइस, पढ़ के आजकल बच्चे कॉमिक्स नहीं पढ़ते। ये देखिए पुरानी टिंकल्स है यहाँ पे, स्पाइडरमैन, अब ये बैटमैन वगैरह जो है ना, ये सब जो है ये न्यू पेपर वर्क में आ गई है, पुरानी बुक्स यहाँ मुझे दिख नहीं रही हैं। ये देखिए ये है पुरानी कॉमिक्स, ये देखिए ये सुपर कुमार ध्रुव, नागराज की, तोसी और बांके लाल की कॉमिक्स हैं। इस कॉमिक्स का क्या रेट है भैया, कहाँ गए? तो गाइस ये देखिए काफ़ी सारी बुक्स हैं यहाँ पे। और पहले एक टाइम में गाइस कॉमिक्स बहुत बिका करती थी, तो हमें अब भी याद है, लेकिन अब कॉमिक्स का ज़माना ख़त्म हो गया, बहुत कम लोग पढ़ते कॉमिक्स को। और ये पोस्टर्स है यहाँ पे, कितने के अंकल ये वाले पोस्टर, कितने रुपए का है वाला बड़े वाला? ये बड़े वाला कितने का है? ये 150 का। और ये छोटे वाले? 140। तो ये पोस्टर्स है गाइस, स्टूडेंट्स जो हैं अपने रूम में लगा जाते हैं। अच्छा स्टिकर वाले ये सारे चिपक जाएंगे, आप कहीं से भी लेयर पे लगाना चाहते हैं ना वहाँ लगा सकते हैं। कॉमिक्स वाले कहाँ गए? कितने के कॉमिक्स बेच रहे हो? हाँ अच्छा, नहीं रेट बता दो मुझे, ये जो उधर उधर रखे हैं कॉमिक्स 20 वाली कितने की है, जो 20 पे लिख, जिस पे 20 लिखा हुआ है? सारे 100 रुपये के हैं, कैसे पढ़ पाएंगे बच्चे अगर इतनी महंगी कॉमिक्स बेचोगे तो? कॉमिक्स इतनी महंगी बेचोगे तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? शॉप तो ठीक है, हमारे ज़माने में हम तो लाते थे ढेर ढेर, वो जमाना चला गया ना, लग तो गया अभी भी तो बात। ये सारे गाइस स्टिकर्स है यहाँ पे, पोस्टर्स और स्टिकर सारे स्टिकेबल है, किसी भी लेयर पे आप सरफेस पे चिपका सकते हैं। काफ़ी सारी थीम्स पे हैं, बहुत सारे अलग अलग, ये देखिए छोटे भी हैं, ये देखिए ये 100 के 4 है, वो छोटे छोटे 10 रुपये के स्टिकर, बहुत सारे यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। अगर आप किसी स्टूडेंट के रूम में जाएंगे तो आई थिंक कि वहाँ पे आपको काफ़ी पोस्टर्स दिखाई देंगे उनको मोटिवेट करने के लिए। ये सब मैप्स है, काफ़ी सारे मैप्स हैं यहाँ पे, और ये भी बुक्स हैं, सारी बुक्स हैं, ये वही बुक मार्क्स मैग्नेटिक वाले। और ये फ्रेम्स कितने का दे रहे भैया, कितने का है, कितने का भैया फ्रेम? 70 रुपये। इसमें कोई फ़ोटो भी तो लगा सकते हैं ऐसे ही है बस ये? अच्छा अभी मुझे एक राउंड और लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं भी यहाँ पे बुक्स लेने के लिए आया हूँ, तो पहले वीडियो बनाते हैं उसके बाद बुक्स खरीदेंगे, तो चलते हैं। और आज मुझे थोड़ा बढ़िया लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो एक बहुत अच्छी बात लग रही है, भले ही स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हो, मौसम भी ठीक है। ये देखिए कॉलेज डिक्शनरी है बच्चों की, ये सब है, कुछ महंगी बुक्स भी होती है यहाँ पर। तो गाइस वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है ना तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बिकॉज पहले टाइम में गाइस ये देखिए जगह तो काफ़ी अच्छी है और लोगों ने जो है कर रखा है, लेकिन पहले टाइम में क्या हुआ करता था कि यहाँ पर आपको CD DVD मिल जा करती थी,
बुक्स मिला करती थी, कॉमिक्स मिला करती थी, इंटरनेशनल बुक्स भी मिला करती थी आपको, जो फिलहाल यहाँ पे कहीं दिखेंगी नहीं आपको। और बहुत सारी घर में पढ़ने वाली बुक्स भी होती थी ना, वो सब मिला करती थी यहाँ पे। अब यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ लिटरेचर है, बाकी जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए तो है ही, बाकी जो पहले वाला जो टाइम था ना उस हिसाब से ना तो मार्केट है और ना बुक्स है। आधी से ज़्यादा बुक जो है वो ज़्यादातर कॉपी की हुई है। और आपको बहुत सारी न्यू बुक्स है यहाँ पे, सारी अलग अलग रेट पे है, अलग अलग साइज पे। ये देखिए कुछ जो है, ये देखिए सारी न्यू बुक्स है। कितने की है भैया ये लगभग, क्या प्राइस है इनका? अलग अलग तो ये सारी बुक्स है, रजिस्टर है। ये कितने रुपए का है रजिस्टर? 60 रुपये। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे स्टेशनरी के काफ़ी सारी सामान है, यहाँ पे डोम से प्रोडक्ट है बहुत सारे, देखिए आगे बढ़ा पैकेट आगे। और हेलो आगे बढ़ा, ये देखिए तो ये देखिए गाइस बुक्स ही बुक्स है यहाँ पे, देखिए ये अलग अलग तरह की स्टेशनरी है। आजकल काफ़ी सारी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, मल्टीपर्पज बहुत सारे हैं। तो अभी यहाँ पर है, देखिए सामने जियोमेट्री बॉक्स है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये देखिए सारी अलग अलग जो है चीज़ें हैं बच्चों के यूज़ की, छोटे बड़े जियोमेट्री बॉक्स है, पेंसिल सेट्स हैं, पेन सेट्स हैं। ये देखिए कितनी सारी यहाँ पे पेंसिल वगैरह ये सब मिल रही है, और सारे इनके प्राइस ना बिल्कुल नॉमिनल होंगे। देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे कलर पेंस वगैरह भी मिल गए, बहुत सारे सब्जी। ये देखिए और बैग्स भी है, बुक्स खरीदेंगे तो बैग्स भी चाहिए होगा, तो बैग्स बेच रहे भैया अलग अलग साइज़ के। वो है यहाँ पे मैप्स है यहाँ पे ढेर सारे। और ये देखिए कुछ बच्चों की बुक्स है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए बुक्स यहाँ पे है छोटी छोटी, जो कि फिगर से शेप्स वगैरह के नाम पता कर सकते हैं कि मका क्या होता है, ऑस्ट्रिच क्या होता है, एग क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो ये सब मिलेंगे यहाँ पे, ये देखिए बुक्स ही बुक्स है यहाँ पे, ये बुक्स हैं सारी, इधर भी बुक्स है, इधर भी बुक्स है। तो इतनी वैरायटी है ना गाइस कि यहाँ पे आप 2-3 घंटे आराम से बिता सकते हैं अपनी बुक सर्च करने में, काफ़ी सारी वैरायटी है। ये देखिए वो देखिए वहाँ पे सामने 50 रुपये की सेल लगी हुई है वहाँ पे, वो जो उधर वाली बुक्स है उनके ऊपर वो ले सकते हैं आप। ये देखिए ये सारी बुक्स है, नॉवल वगैरह समथिंग बहुत सारी है। देखिएगा यहाँ पे इन अंकल के पास में कुछ धार्मिक किताबें भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं रामायण है यहाँ पे, भगवत गीता है, शिव महापुराण, काफ़ी सारी जो स्पिरिचुअल बुक्स है वो सब यहाँ पे मुझे दिख रही है। बाकी जगह पे मुझे थोड़ा मिला नहीं था, पर यहाँ पे ये बेच रहे हैं। देखिए काफ़ी सारे रजिस्टर है यहाँ पे, ये सब मिल रहे हैं रजिस्टर्स है अलग अलग प्राइस के, ये स्पाइरल रजिस्टर्स हैं। देखिए मिल रही हैं, इनके भी प्राइस कितने हैं आंटी जी? इनके प्राइस कॉमिक्स के ये वाली जो ऊपर रखी हुई है सारी 100 है, ये चाचा चौधरी वाली भी कुछ सस्ते में नहीं मिलती आंटी आप के? सस्ते में मिले तो बच्चे पढ़े भी नहीं, तो वो कहेंगे हम कुछ और पढ़ लेंगे 100 रुपये में, तो और क्या। पहले तो सबने बचपन गुजार दिया, हमने तो कॉमिक्स पढ़ पढ़ के। हाँ वो तो ठीक है, ये तो है समझ गया भाई, वो तो चलो बाहर का है, ये तो अपनी पुरानी कॉमिक्स हुआ करती थी हम भी पढ़ते थे वही चीज। तो गाइज मैं आ गया हूँ पूरा आपको दिखाते हुए, तो गाइज मैंने आपको ना पूरा दिखा दिया है, देखिए मार्केट है पूरी। और पहले
मैंने आपको बताया अभी मार्केट में पुरानी वाली बात तो रही नहीं है, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। ये देखिए कि चारों तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स आज आए हैं, खासतौर पर आज मैंने देखा है, और दिनों में मैंने देखा नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी बुक्स ले रहे हैं। तो गाइस वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं आपको बुक मार्केट का वीडियो दिखा चाहता हूँ, शायद ही किसी ने बनाया होगा ये वीडियो, तो मैं बना रहा हूँ आपके लिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए और जितनी बुक्स है आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। और ये यही एक दिल्ली में पूरा सोर्स है बुक मार्केट का, जो कि जहाँ पर आपको इतनी सारी बुक्स जो है मिल जाएंगे हर टॉपिक के ऊपर, है ना। तो आप आइए और बुक्स खरीदिए, मैंने आपको लोकेशन बता ही दी है वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जितना हो सकता है लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।